चीन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही रोचक एवं तथ्य से जुड़ी जानकारियां के लिए। चीन के अमीर लोग दूसरों को अपने बदले में जेल भेज सकते हैं, ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि अमीर लोग करते हैं। चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है, इस लिहाज से चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं चीन के एक ऐसी तथ्य के बारे में जिसे आप जान के हैरान हो जाओगे। चीन में एक ऐसी भी वेबसाइट है जहां गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती है, एक हफ्ते का रेट 2000 से भी कम में। साल 2025 तक चीन में न्यूयॉर्क के बराबर 10 शहर होंगे। चीन में चिड़िया के घोंसलों से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है, इसे इटेबल बर्ड नेस्ट सूप या स्विफ्टलेट भी कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के दर से बिकता है। लेकिन अगर आप चीन जाना चाहते हैं तो उससे पहले जान लीजिए ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर चीन की पूरी आबादी एक लाइन लगाकर आपके सामने से गुजरे तो वो लाइन आपने पूरे जीवन काल में खत्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। हाल ही में चीन के एक शख्स सुर्खियों में था जिसने इतना तीखा और मसालेदार सूप पिया कि उसके पेट में छेद हो गया। चीन में ऐसी कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो वीरान पड़ी हैं। उनमें कोई नहीं रहता, फिर भी वहां नई बिल्डिंग बनाने का काम जोर शोर से चालू है। चीन का लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 शहर बनाए जाएंगे। हालांकि उन शहरों को बसाने की कोई प्लानिंग नहीं है, यही वजह है कि वहां के घोस्ट सिटी भी कहा जाता है। चीन में एक शख्स को 12 साल की सजा दी गई क्योंकि उसने आखिरी इंडक के चाइनीज बाघ को मारकर खाया था। अपने बचाव में उस शख्स ने कहा कि उसने अपने बचाव में बाघ की हत्या की। चीन में ब्रेन ड्रेन की गंभीर समस्या है। आंकड़े के अनुसार दूसरे देशों में पढ़ाई करने गए 10 चीनी छात्रों में से 7 कभी वापस नहीं लौटे। दिलचस्प ये है कि इनमें से अधिकतर अमेरिका में रहना पसंद करते हैं। चाइना में एक लड़के ने सिर्फ आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। अंग्रेजी बोले जाने वाले लोग अमेरिका से ज्यादा चीन में ही है। दुनिया की सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चीन में ही है, पर ये 2005 तक 99% खाली थे। द ग्रैंड कैनल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में दूसरे देशों की सोशल साइट्स चलाने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि चीन ने 2009 से फेसबुक ट्विटर जैसी विदेशी सोशल मीडिया साइट्स चलाना चीन में गैर कानूनी मानी जाती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि फुटबॉल 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास चीन में शुरू हुआ था। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।